परमेश्वर कहता हरून तू कनान देश नहीं जाएगा, मूसा नु नाल ले, अपने पुत्र नु नाल ले, पहाड़ ते चढ़ जा, उत्थे तू मरेगा और तेरी पदवी तेरे बेटे नु दित्ती जाएगी। 10 साल तुसी अगर लॉयर बनने लई स्टडी कीती होए और प्रैक्टिकल कीते होन और 10 साल बाद तुहानू दस्सा जावे कि तुसी लॉयर दी पदवी और उहदा सर्टिफिकेट और तुसी कुछ नहीं कर सकते, तुहानू किदां दा लगेगा? परमेश्वर दे दास ने कहा बाइबल दे विच, कहिंदा मैं नहीं चाहुंदा तुसी कीता होया परिश्रम, तुहाडी कीती होई मेहनत जिहड़ी आ व्यर्थ होए, क्योंकि मेहनत व्यर्थ हुंदियां ने, हुंदियां मेहनत व्यर्थ। जो असीं सेंस दे नाल मेहनत नहीं करते तो कीतियां मेहनत कीतियां प्रार्थनावां बोए गए बीज व्यर्थ होंदे आ। फिर परमेश्वर ने तुहानू सेंस दे नाल चलन दे लई बुलाया, ना कि नॉनसेंस बनन दे लई बुलाया। अगर शारीरिक नॉनसेंस बंदा, एक 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 दुनियावी नॉनसेंस बंदा लोगों की निगाह दे विच आदर नहीं पाता, चाहे वह जिन्ना मर्जी गिफ्टड होवे। कई लोग अपने बॉस का आदर नहीं करते, क्यों? क्योंकि वह नॉनसेंस व्यक्ति। हारून ने जिस पेपर लिए तैयारी की 40 साल, परमेश्वर कहता नहीं हारून वो जगह तेरे लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तेनू उस टाइम तक सजा नहीं दिती, पर कुछ कंपनियां उस महीने या उस दिन तनखा तो नहीं दिंदियां, पर साल बाद दिंदियां जरूर है, या 5 साल बाद दिंदियां जरूर है, या जो काम छड़ के जाओ दिंदियां जरूर है। मरियम नू तनखा उस वेले मिल गई उहदे पाप दी, हारून नू नहीं मिली, उहनू बाद च मिली। पाप माफ हो सकता है पर उदा असर नहीं जा सकता। बाइबल दस दी माफ हो सकता, हो माफी मिल जूगी परमेश्वर दे कोलों, पर उदा असर जड़ा ओ असर नहीं खत्म करता परमेश्वर। प्रेशर नहीं चल पाया लोकां दा। मूसा उपर गया पहाड़ दे उत्ते ते लोकी कहंदे ओए सानू नहीं पता मूसा कित्थे गया, उहनू उतरन च लेट हो गया, पता नहीं मर गया, पता नहीं कित्थे है, पता नहीं किहड़ा परमेश्वर सीगा ओ जिहदे मिरेकल असीं देखे सी। ओ छड्ड तू, तू भी एक मिस्र देश दे वांग एक बछड़ा बना एक सोने दा, ते बछड़े नूं असीं पूजांगे ते ओ साडी अगवाई करेगा। और परमेश्वर ने जदों देखिया कि हां उहने बछड़ा बनाता, कादे लई? लोकां दे प्रेशर नाल आ गया। मैनूं लोकां ने कहता सी जी, मैनूं लोकी प्रेशर पांदे सीगे, मैं फलाने बंदे दे प्रेशर थल्ले आ गया जी, मैं इस करके चर्च नहीं आंदा जी, हुण मेरे घरदिआं ने प्रेशर पाता मेरे ते। फिर तुसीं उस जगह ना नहीं जाऊंगे जिहड़ी जगह तेरे लई तैयार कीती गई है। जड़ा क्रिश्चन प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, वो उत्थे जाण दी इच्छा ना रखे जिहड़ी परमेश्वर ने तेरे लई तैयार कीती। वो विश्वासी होए, वो पास्टर होए, वो सेवक होए, कोई भी होए, बिजनेसमैन होए, क्योंकि अगर तुसी एक क्रिश्चियन हो तो टाइम आन वाला आएगा और चलता होएगा जो तुसी प्रेशर दे नीचे निकलते हो, और जो तुसी प्रेशर दे नीचे नहीं निकले तुसी क्रिश्चियन नहीं हो, तुसी हल तक सही तरीके ना प्रभु च नहीं चलते हो। अगर तुम्हारी जिंदगी च प्रेशर नहीं पाया शैतान ने, क्योंकि जो सही तरीके ना चलेगा शैतान उत्ते प्रेशर पाएगा, और उस प्रेशर नूं जो बंदा हैंडल कर सकता है, वह साबित कर सकता है, उही निर्धारित करता है कि अगे जाएगा पिछे जाएगा इत्थे रुकेगा की करेगा। अज लोगों नूं प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, इसलिए वह अपनी जिंदगी उत्थे नहीं पहुंच पाते हो जी रब ने तैयार की है उन्होंने लिए। सेंसिटिव बनो, जो स्टैप चक्कन का टाइम है उदो स्टैप चक्कन का टाइम है, प्रे करने का टाइम नहीं गा। जो लोगों के इकरार करने का टाइम है परमेश्वर के बारे, उदो इकरार करने का टाइम है, प्रे करने का टाइम नहीं गा। उदो तू लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं स्वर्गदूत के सामने तेरा इकरार करांगा। तेनूं लोगों के सामने शर्म आएगी तो मैनू भी शर्म आएगी, मैनू भी शर्म आएगी, कहते कि यह मेरा बच्चा है, मैनू भी शर्म आएगी, मैं भी मुंह लुकाउंदा फिरांगा तेरे तो। शाऊल एक नॉन सेंसिटिव इंसान किते नहीं पहुंचा, देखो दुश्मन के हथों मारिया गया, जबकि इजराइली मसा नहीं किया गया कि वह दुश्मन के हथों मरे। इजराइली मतलब दुश्मन के उत्ते जित पाने वाला इंसान। तुसी इजराइली हो आत्मा दे विच, मैं इजराइली हाँ। सानू खतने कराने की लोड़ता नहीं है, बलियां चढ़ाने की लोड़ता नहीं है, लेकिन बाइबल दस दी है असी यीशु मसीह के वंश के लोग हाँ। असी मसा नहीं किए गए कि दुश्मन साढ़े से चढ़ाई करे और जिते, असी मसा एक गल दे लई कीते गए हां कि दुश्मन जद भी चढ़ाई चढ़े, जद भी नाम नीचा करन दी कोशिश करे, हमेशा शर्मिंदा होवे, साडे नाम नूं उच्चा हुंदा देखे। कुछ दुश्मन परमेश्वर तुहाडे खत्म इस करके नहीं करदा कि सदा तुहाडी तरक्की और बरकत नूं देखदे रहन और परमेश्वर दी महिमा करदे रहन। आओ जरा आमीन छोटे चर्च। कई लोकल दुश्मन परमेश्वर मारदा नहीं, जिहड़े छोटे छोटे छिटपुट छिटपुट जवानी दसी परमेश्वर कहता देखता रह तू ओदी बरकत देखता रह। अज पूरी ग्राउंड बार तक बार दे भी बार दी ग्राउंड तू देख।
बोलो सेंसिटिव बन, क्योंकि सेंसिटिव क्रिश्चियन हारेगा नहीं, क्योंकि वो जीतन दे मसा किया गया। आमीन। तुसी जीतन लिए मसा किए गए हो, बेशर्ते अगर तुसी सेंसिटिव रीति दे नाल चलोगे, तुसी तनु कोई दुश्मन कोई शैतान तनु टा नहीं सकदा ना नाश कर सकदा, सिवाय तुहाडे अपने तो तनु कोई खत्म नहीं कर सकदा। शाऊल नु किसे दुश्मन ने खत्म नहीं किया, शाऊल नु अपनी नॉन सेंसिटिविटी ने, ओदी अपनी अन आज्ञाकारिता ने, परमेश्वर दे वचन दे प्रति सेंसिटिव ना रहना, अपने दित्ते प्रिविलेज नु गाला कढ़निया, इस गल ने शाऊल नु खत्म किया। शाऊल एक नॉन सेंसिटिव इंसान, अपनी पदवी की परवाह नहीं कर रहा, अपनी सीट की परवाह नहीं कर रहा, उन्हें मारन लिए तैयार है, अपनी वाइफ नु गाला कढ़ रहे हैं, अपने बच्चे नु मारन लिए तैयार है, दाऊद नु मारन लिए तैयार है, परमेश्वर दे वचन तो दूर होने लिए तैयार है। बी सेंसिटिव अगर कुछ देखना चाहते हो परमेश्वर दे वल्लों। आमीन। गाला ना कढ़ो अपने प्रिविलेज नु, अपने मौके नु, परमेश्वर ने जड़ दिता तुहानू। इसलिए परमेश्वर ने कहा सीगा कि एक बंदा उन्हें व्याह रखिया, अपने लोगों नु बुलाया, तो कोई कहता मैं खेत चलना, कोई कहता मैं बैल ले परखन चलना, कोई कहता मैं काम नु चलना, कोई नहीं आया। कहता जाओ तो चुराहिया जाके लंगड़े लूले गरीब अमीर सब सद लियाओ, सब सद ले। राजा गया अपने व्याह के भोज के जड़े गरीबा सद्या, कहता ओए तू व्याह का वस्त्र नहीं पाया। उन्हें गरीब व्याह का वस्त्र कितों पाएगा, गरीब पाएगा व्याह का वस्त्र? तुम तो आप उन्हें चुराहे तो चुक के लैके आए हो, व्याह का वस्त्र कितना पा के आऊगा? वह तो पहले रिक्शे वाला बंदा, हूँ व्याह का वस्त्र कितना पा के आऊगा? बाइबल दस जो राजा आम लोगों नु सद्दा सीगा व्याह, अपने व्याह दे विच ते अपनी अलमारी रॉयल अलमारी खोल के उन्होंने कपड़े ऑफर करता सीगा, वो कपड़े पा के ही वो लोग व्याह च जा सकते सी। पर ए बंदा इन्ना मूरख सी कि जो तो राजे दे बंदियां ने उन्हें अपने कपड़े ऑफर किते, एक तो प्रिविलेज भुल गया, मौका भुल गया कि मैं इस भोज च शामिल जिंदगी च नहीं हो सकता, जे मैनू बुला ही लिता गया तो राजे अपना राजा अपना कपड़ा दे के मैनू भोज में बुला रहा है, तो मैं क्यों ना कपड़े पा के जावां? उदां ही चला गया। राजा कहिंदा इहनूं बन्नो सुट्टो ते नरक च सुट्टो। अपने प्रिविलेज नूं गालां कदी ना कड्डो, अपने मौके नूं कदी गाल ना कड्डो। तुसी और मैं किदा बुलाए गए हां? असी यहूदी दा नहीं हां, परमेश्वर नूं जानदे तां नहीं सीगे, पापी सीगे हां कि ना? प्रभु कहिंदा सद लो इन्हां नूं, अन्ने अन्ने जातियां नूं सद्दो, क्योंकि मेरे लोगों ने मैनूं क्रूस चढ़ाया, हुण अन्ने जातियां नूं सद्दो। अन्ने जातियां सद्दियां गईयां, असी लोग सद्दे गए हां, बुलाए गए हां, भीड़ दे वांग परमेश्वर दे अलमारी दे विचों धार्मिकता दे वस्त्र ओदे लहू नाल धोते हुए परमेश्वर नूं ऑफर करदा है, ते फिर ना असीं पाईए, फिर भोज च शामिल हो जाए, परमेश्वर पुछे हाँ भी तेरे कपड़े कित्थे ने? ओ तां मैं जी रात नूं लाते सी ब्लू फिल्म देखदे जी, ओ तां मैं जी सिगरट पींदे रस्ते च लाते सी, ओ मैं खैणी लाई सी, मेरे कपड़े उत्थे ही लत गए। परमेश्वर कहिंदा नूं फड़ो ते सुट्टो जिथे रोणा ते दंदा दा पीसना होएगा। जे परमेश्वर ने दया कारी दित्ती है ते संभालो उस दया नूं, फिर उसके प्रिविलेज नूं उसके मौके नूं गाला ना कड्डो। कहिंदे जी जॉब्स नहीं है जी, अनइंप्लॉयमेंट है जी, कुछ कंपनियां नूं बंदे नहीं लभदे, ऐदा दे फील्ड है कंप्यूटर दे विच जिथे लोकां दी हमेशा घाट रहिंदी। अज जिहड़ी मर्जी कंपनी नूं पुछो, जाओ फोन करो जिहड़े लोग जॉब्स प्रोवाइड करदे, बोलो तुहानूं वीडियो एडिटर चाहिए, दस तुहानूं क्वेश्चन करनगे, वीडियो एडिटर नहीं देणगे, तुहानूं है ही नहीं मार्केट च। तो मुंडिया देखो की करते फिर दे, तू की करना है बीए, तू की करना है बीएससी, बाद च की करना है पता नहीं, तेन पता कितना नहीं, तू बीए तो बाद की करना है, बीएससी तो बाद की करना है, तू एमएससी करी जाना, उस तो उपर पढ़ी जाना, तू करना की बाद च पता नहीं, बाद च कहना सरकार का दोष, सरकार का दोष नहीं, ताड़े डफर दिमाग का दोष है, सरकार का दोष नहीं है। तुसी सरकार के हिसाब नाल नहीं ब्लैस होंगे, तुसी यहोवा परमेश्वर के हिसाब नाल ब्लैस होंगे हो। अगर पहले 30 साल तुहानू जिंदगी च नहीं पता तुसी की करना, तुसी वेस्ट इंसान हो। तुहानू पता होना चाहिए मैं करना की है, मेरा टारगेट की है, वो ता होगा जे सेंसिटिव होवांगे आपां, क्योंकि असी भी इंसान है, तुसी भी इंसान हो, एको ही दुनिया है, एको जिहा दिल है, एको जिहा पाप है चारों पासे, पर तुहानू पता होएगा मैं की करना, तुहानू पता होएगा जे मैं पुठे पंगे लऊंगा रब दे नाल ते रब ने मेरी सुननी नहीं, मैं जो करदा करी जाना, प्रभु ने मैनू गाइड नहीं करना, मैनू अलग नहीं करना उन्हें लोगों को, तो मेरी जिंदगी वो गवाही नहीं बनानी जो सचमुच वो चाहता। एक छोटे बच्चे नू उदा पिता खाना दे सकता है, पानी दे सकता है, रोटी दे सकता है, कपड़े दे सकता है, पर उन्हें कार की चाबी नहीं दे सकता।
एक पाप करने वाला छोटा बच्चा क्रिश्चियन प्रभु उन्हें खान पीन दे सकता है, उन्हें नौकरी दे सकता है, पर उन्हें बड़ी चीजा नहीं दे सकता। ते मत वो सोचे कि मैं खाना पीना तो शायद परमेश्वर की बरकत मेरे उत्ते, वो परमेश्वर की ग्रेस है, वो दया है, पर वो तेन चाबी नहीं देगा गड्डी दी, अलमारियां दी, तेरे दिन तेरे नाम दे प्रॉपर्टी करके नहीं जाएगा। तो संभालने वाले नहीं हो, तुम बच्चे हो अपनी स्पिरिट दे विच, तुम अपने क्रिश्चियन होने गाला नहीं कट सकते। हर वाइफ दे कोल हक है पूछन दा अपने हसबेंड नू कि पैसा जिहड़ा कमांदे हो कित्थों आया हो, क्योंकि वो पैसा तेरे बच्चों से जाना, तेरी बॉडी से जाना, जे वो चोरी का होया तो तेरे अंदरों निकलना भी है, तो खूह की मिट्टी किनू लगनी है, वो घूम घुमा के निकले सीधी निकले, वो 10 साल बाद निकले, वो लगनी है। अपनी लाइफ नू ऐदा दा बनाओ कि क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी तेरी लाइफ चो नजर आए, तुसी गाला ना कड्डो इनडायरैक्टली परमेश्वर नू, अब्यूज ना कर सको तुसी परमेश्वर नू। हुण कितना दो लोग जिहड़े वचन सुनते हैं जो बाद चो मिलनगे, वो लड़का लड़की बाद चो मिलनगे, की सोच के मिलनगे हो कि वचन याद नहीं आएगा उन्होंने, कि शर्म नहीं आएगी एक दूसरे ने हैलो करते हुए। क्रिश्चियन वैल्यू साढ़े घर होनी चाहिए, साढ़े बिजनेस होनी चाहिए, कि मैं शायद परमेश्वर ने इसे लिए मैं एक बिजनेस फैमिली चुनिया, और जब मेरी चर्च 5,000 लोग आते थे तभी मैं अपने बिजनेस से गुजारा करता से, अपने बिजनेस में करता से, और बिजनेस करते मैं झूठ नहीं सी बोलता, लोगों को शायद यकीन होए ना होए, मैं कदे नहीं कहना ना जी ये तो टाइल मैं जी 200 की आई है जी, तो आई भावें 150 की होए, मेरा जवाब होंदा सी नहीं जी मेरा मार्जिन यही है जी, तुहाडा दिल करदा ले लो नहीं तो पई है कोई होर ले लेगा। आमीन। क्रिश्चियन वैल्यूज कितना खराब कर सकते हैं दसो। एक लड़की के विगड़न के विच उहदी मां का 90% हाथ है, हां कि ना। कई बार शक्ति माता पिता की, चाहे वह शारीरिक माता पिता हो या आत्मिक माता पिता हो, उन्हों की शक्ति कई बार चंगी नहीं लगती, पर उस शक्ति कादे लिए है, उन्होंने डिसिपलिन दे विच रखन दे, ताकि जो परमेश्वर के चुनाव का टाइम आए ये लड़की ये लड़का रिजेक्ट ना हो, क्योंकि तो रिजेक्ट भी होंगे लोग, मैं किए हैं रिजेक्ट होंगे लोग रिजेक्ट, अज भी वह स्टोरियां दोहराइया जा बाइबल के पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्लैनिंग यही है कि तुम फल लेके आओ तेरा फल बनया रहे। आमीन। मैं नहीं जानता एक हस्बैंड वाइफ कितना एक दूसरे तो गल छुपा सकते हैं। वाइफ अपने पैसों जो पेके भेज रही है कितना रह सकते हो कट्ठे मैनू नहीं पता लगा। अपनी लाइफ इस तरह की बनाओ कि तेरी लाइफ सचमुच क्रिश्चियनिटी रिफ्लेक्ट करे, तेरे प्रीचिंग करन दे नाल नहीं, तेरे नाल रहने वाले लोग तेरे लिविंग स्टाइल नू देख के समझ जान के नहीं ये बंदा क्रिश्चियन है, नहीं तो क्रिश्चियन अपन नाम दे क्रिश्चियन है, चर्च बैठे क्रिश्चियन है, पर जे हुण मैं तेरे नाल डीलिंग शुरू करा कोई तुहानू एक काम दवा गया दीवार तोड़न का काम तेरा भी समझ आनी शुरू होती लोगों की, नाले झूठ शुरू हो जाएंगे, नाले चीजा नाले नाले होर तरह दल्ला नहीं जी मैं तो इन्ने बंदे लाने हैं जी, एक बंदे मैं 220 देने हैं जी, देना 180, नाले झूठ, नाले भावें पास्टर हो भावें डैडी हो भावें मम्मी हो कोई भी हो, इतों पता लगता तुम रियल क्रिश्चन नहीं हो, और इसलिए तुम सीरीयस नहीं हो तो परमेश्वर भी सीरीयस नहीं है। मैं अगर सीरीयस अपनी लाइफ दे लई तो परमेश्वर सीरीयस है मेरी लाइफ दे लई। आमीन। एक हाथी दे बच्चे नूं प्रे करन दी लोड़ नहीं है, उहदी लत्तां मोटियां होन, उहदा भार वधे, उहदा कद वधे। उस तरह जदों असीं यीशु मसीह दे प्रैक्टिकली बच्चे बन जांदे आ तुहानूं प्रेयर करन दी लोड़ नहीं पएगी। फिर इहदा मतलब इह नहीं प्रेयर नहीं करांगे, आपां प्रेयर करांगे प्रभु दे नाल बैठन दे लई, टाइम स्पेंड करन दे लई, ना कि उहदे कोल मंगन दे लई, क्योंकि जिन्नियां चीज़ां तुसीं मंगदे हो सिर्फ उहदे धर्म ते राज दी खोज करना तुहानूं मिलदियां। उहदे कोल जिन्नियां चीजां दी मंगदे हो चंगियाई नूं मंगदे हो, एक वचन बहुत है तेरे कोड़े खाण नाल मैं चंगा हो चुका। पर असीं लंबा टाइम क्यों मंगदे हां? क्योंकि रियल आपां उहदे धर्म ते राज नूं हले पाया नहीं, खोजिया नहीं। जो धर्म ते राज नूं खोज लैने आपां प्रभु दे नेड़े हो जाने, फिर दो दो घंटे मंगदे हां प्रभु मैं तेरे वर्गा बनना चाहना, मैनूं तेरी सामर्थ चाहिए, मैनूं इन्ने लोग चाहिए, मैं इन्ने लोगों नूं बचाना चाहना, मैं उत्थे जाना चाहना, मैं वह करना चाहना, सारा कुछ फिर परमेश्वर की महिमा लई होना शुरू हुंदा, ना कि तुहाडे अपने बरकतां लई, ना कि अपनी चंगियाईआं लई। उह वी टाइम आएगा तुहाडी लाइफ च, तुसीं फ्री होवोंगे, फ्री होवोंगे, फ्री होवोंगे, मैं क्या फ्री होवोंगे, हर चमेले तो फ्री होंगे, बीमारी तो छुटकारे तो। आमीन छोटे चर्च, आमीन छोटे,
ਆਮੀਨ ਜਨਾ ਉਚਾਰ ਲੰਬਾ ਰੰਦਰ ਔਰ ਬਾਰ ਔਨਲਾਈਨ।